नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें बिहार सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं ताकि प्रदेश में शराबबंदी कानून को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। ऐसे में अब बिहार सरकार ने एक नई स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत शराब बेचने का काम करने वाले लोगों को यह काम छोड़कर दूसरे कार्य करने के लिए सरकार उन्हें 1 लाख रुपया देगी। साथ ही साथ सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि शराब और ताड़ी बेचने वालों को इस स्कीम के तहत लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें कि बिहार सरकार प्रदेश में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद से लगातार ताड़ी और शराब बेचने वालों को नीरा बेचने की बात कह रही है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से जारी नई स्कीम के तहत यह बताया जा रहा है कि ताड़ी की जगह अगर वे नीरा बेचते हैं तो बिहार सरकार उन्हें 1 लाख रुपया देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों नशा मुक्ति दिवस पर अपनी बात को रखते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी है, इसके बाद भी शराब के मामले कई लोग पकड़ाए जा रहे हैं और लोग लगातार पकड़ा ही रहे हैं। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि पकड़ाने वाले अधिकतर पीने वाले हैं या बेचने वाले हैं, लेकिन असली लोग पकड़ा नहीं रहा है, कुछ ही लोग पकड़ा रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस और उत्पाद विभाग को बोल दिया है कि असली धंधेबाज को पकड़िए और उन्हें जेल भेजिए। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि असली धंधेबाज कहाँ निकलता है, वह तो दूसरे को बाहर भेजकर शराब बेचवाता है। इसमें गरीब लोगों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम नई योजना बना रहे हैं। जो थोड़ा बहुत शराब बेचते हैं, ताड़ी बेचते हैं, उसके लिए सरकार नई स्कीम ला रही है। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग शराब बेचना या फिर ताड़ी बेचना बंद कर देंगे उन्हें राज्य सरकार मदद करेगी, रोजगार करने के लिए 1 लाख रुपया देगी ताकि वे खुद का एक नया रोजगार शुरू कर सके। इस नई स्कीम के तहत यह भी बताया जा रहा है कि इस स्कीम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत गरीब परिवार एवं अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य समुदायों में लक्षित अंतर्गत निर्धन परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ने के बाद सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बल प्रदान किया जा सकेगा। इस कार्य के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों तथा उनके संगठनों की सहायता ली जाएगी। जीविका ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से इस योजना में जुड़े कई लोग बेरोजगार हो गए, या हम कहें कि इस तरह से भी वो देख सकते हैं कि चोरी छिपे हुए इसी तरह के कार्य में अभी भी लगे हुए रहे, लेकिन अब बिहार सरकार ने उन्हें इस काम को छोड़कर दूसरे कार्य को करने के लिए 60,000 रुपये देने की बात कही थी, लेकिन अब बिहार सरकार ने इसमें 40,000 रुपये का इजाफा किया है। ऐसे में अब इस योजना के तहत इस तरह के परिवारों को 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया देने की बात कही गई है, जिससे कि वे शराब और ताड़ी की बिक्री को छोड़कर नीरा या फिर किसी दूसरे तरह के उत्पाद का निर्माण कर सके या फिर कोई दूसरा बिजनेस वो शुरू कर सके। आपको बता दें कि शुरुआती समय में या फिर नशा मुक्ति के दिवस के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के बारे में बताया था, इस स्कीम के बारे में बताया था। उसके बाद पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने इसे पारित कर दिया है। ऐसे में अब वैसे गरीब परिवार या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आने वाले वैसे लोग जो कि इस कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें जो है अब शराब और ताड़ी की बिक्री से उन्हें बाहर निकलने की बात कही गई है और एक बेहतर रोजगार करने की बात कही गई, ताकि समाज में भी इस तरह की बुराइयां आगे ना फैल सके। बिहार सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये थे बिहार में बिहार में शराब और ताड़ी से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।